मेरे चैनल पे इस ड्राइंग की वीडियो मोस्ट व्यूड वीडियो है। अगर आपने देखी हो तो देखी होगी वैसे तो आपने, टाइगर श्रॉफ वाली जो कि मैंने 2018 में बनाए थे और इस पर अराउंड 1.5 मिलियन व्यूज़ हैं। तो हाँ, ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक आर्ट कॉन्टेस्ट भी लेके आया हूँ, एक और जो कि काफ़ी आर्टिस्ट कर रहे थे, तो मैं सोचा मैं भी करता हूँ, मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से। तो हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और इसको मैं अब दोबारा बनाने वाला हूँ, बिकॉज 2018 में बनाया था और देख सकते हैं थोड़ा बहुत कैसा लग रहा है। अब मेरे वर्क्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, उसके हिसाब से देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, और उसके बाद मैं आपको आर्ट कॉन्टेस्ट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो इसको दोबारा बनाते हैं, इसकी रेफरेंस फोटोग्राफ मेरे पास है, और देखते हैं पहले वाली में और जो अब बना रहा हूँ मैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो गाइज, यह है फाइनल वर्क जो कि मैंने कंप्लीट ग्रेफाइट से बनाया है, और इसे मैंने सेम 2018 में बनाया था, और देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये है वर्क। सो आपको दोनों में क्लियरली डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, शेडिंग में भी और स्किन टोन्स में भी, प्रपोर्शंस में भी। अगर अच्छे से शेडिंग होती है तभी जो प्रपोर्शंस हैं वो थोड़े सही लगते हैं, और बियर्ड्स वगैरह, आईज़ वगैरह में देख सकते हैं आप, हाईलाइट्स देख सकते हैं। और इसमें मैंने कंप्लीट चारकोल का यूज़ किया था, जो भी डार्क एरियाज हैं ये वाला, ये कंप्लीट यहाँ पे मैंने चारकोल का यूज़ किया था, हेयर में भी चारकोल का किया था, बट फिर भी मैंने कुछ इस तरह से बनाए थे। और इसमें मैंने बिल्कुल भी चारकोल का यूज़ नहीं किया, कंप्लीट ग्रेफाइट से ही बनाया है। फिर भी देख सकते हैं आप, काफ़ी डार्क मैंने किया है, लेयर बाय लेयर ऑप्ट किया है। आईज़, आईब्रोज बिल्कुल प्रॉपरली इसमें दिख रहे हैं, बट इसमें थोड़ा फ्लैट सा लग रहा है। इसमें शेडिंग देख सकते हैं आप, बिल्कुल फ्लैट सी है, ज़्यादा डेप्थ नहीं दिख रही है फेस में, बट इसमें आपको अच्छे से डेप्थ दिख रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, बट मैंने अपना 100% दिया है और डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी मैंने इम्प्रूव किया इतने टाइम में। हेयर में भी मैंने इसमें ग्रेफाइट का यूज़ किया है, तो देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस, चारकोल और ग्रेफाइट में। उस टाइम मैं अच्छे से यूज़ नहीं करता था, मैं जल्दी जल्दी बस ऐसे ऐसे लाइन लगा देता था, तो लाइन्स दिख रही होंगी आपको, बिल्कुल भी हेयर में अच्छे से गुच्छा सा नहीं बन रहा, बट इसमें अच्छे से बन रहा है, बिकॉज मैंने अच्छे से डार्क किया है, थोड़ा बहुत बीच में हाईलाइट छोड़ा है फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग। ईयर में भी यहाँ पे मैंने हाईलाइट्स किए हैं, यहाँ पे भी हाईलाइट्स किए हैं, बट इसमें कहीं पे भी नहीं है, इसमें पूरा फ्लैट है फेस, देख सकते हैं आप। आईज़ में यहाँ पे डेप्थ दिख रही होगी आपको इसमें शेडिंग, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। नोज़ में मैंने अच्छे से यहाँ पे शेड किया है लाइट डार्क, बट इसमें नहीं किया, इसमें ओनली फ्लैट ही छोड़ दिया हल्का शेड करके। और लिप्स में भी किया है यहाँ पर, बट इसमें नहीं किया है। इसमें मैंने नेक में अच्छे से शेड किया है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी डेप्थ दिख रही होगी डार्क डार्क, बट इसमें नहीं किया, इसमें बिल्कुल लाइट लाइट है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। क्लॉथ्स तो मैंने अब की बार चेंज ही कर दिए, और अब की बार मैंने आर्टो का पेपर यूज़ किया जो कि काफ़ी रफ़ है, आपको टेक्सचर दिख रहा होगा, बट जो पहले मैंने आइवरी यूज़ किया था जो कि काफ़ी स्मूथ होता है, तो स्मूथ पे इस तरह से शेडिंग हो पाती है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा मेरे तब के आर्ट वर्क और अब के आर्ट वर्क में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है। मैं बेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट इम्प्रूवमेंट तो आया है, और क्या 2 साल बाद और इम्प्रूव हो जाएं, और इम्प्रूव होते रहेंगे वो तो, जितने ज़्यादा हम वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा हम एक्सपीरियंस करेंगे वो तो इम्प्रूव होते रहेंगे। सो अब बात करते हैं आर्ट कॉन्टेस्ट के बारे में, कॉम्पिटिशन जो आजकल चल रहा है यूट्यूब पे, अंकित सर ने भी किया था और भी काफ़ी आर्टिस्ट ने किया था। मैंने भी सोचा था, लास्ट ईयर सोच लिया था मैंने, बट मैं कर नहीं पा रहा था, बिकॉज एक रीज़न था जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, और मैं सही था उस रीज़न की वजह से, अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, सीधी सीधी बात करते हैं कि आपने करना क्या है।
जिस तरह से मैंने मेरी ओल्ड ड्राइंग बनाई 2018 वाली, इसी तरह से आपने अपनी ही कोई बनानी है। मैं आपको कोई फोटो नहीं दे रहा हूँ, ना ही आपको कहीं से ढूंढने के लिए कह रहा हूँ, कोई खींचने के लिए कह रहा हूँ। जो आपने आर्टवर्क बनाया है, चाहे आपने 6 महीने पहले बनाया है, चाहे आपने 1 साल पहले बनाया है, 2 साल पहले बनाया, उसको आप रिक्रिएट करो। मैं कंपटीशन आपको दूसरों से नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज मैंने देखा जो अंकित सर ने किया, फिर काफ़ी आर्टिस्ट कर रहे हैं, उसमें ना लोग एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। और मेरे पास जो अंकित सर ने किया ना, तो उस पर मेरे काफ़ी लोग मेरे पास आ रहे कि अंकित सर ने मेरा शेयर नहीं किया, उन्होंने और के शेयर कर लिए, मैंने बहुत अच्छा बनाया था। तो एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, उनको हेट कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। बिकॉज गाइस आर्ट है, इसमें कंपटीशन कहाँ से आ गया? कोई आर्ट वर्क हमसे आज अच्छा बन जाता है, कल अच्छा नहीं बनता है। कोई भी आर्ट वर्क, मान लो मैंने अभी आर्ट वर्क बनाया एक, जैसे कि ये बनाया, अगर मैं इसको अभी आधे घंटे बाद दोबारा स्टार्ट कर दूंगा ना, तो बिल्कुल सेम नहीं बन सकता। कोई भी आर्ट वर्क हम बारी बारी बनाएंगे ना, उसको सेम नहीं बनेगा। तो इस कंपटीशन की तो कहीं पे बात ही नहीं आती, किसी से कंपटीशन करना, किसी से कंपेयर करना। सो गाइस इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो, कंपटीशन वाली, किसी से कंपेयर करने की। अगर मैं एक फोटोग्राफ आपको दे दूँ बनाने के लिए, तो आप एक दूसरे से कंपेयर करोगे अगर मैंने आपकी नहीं देखी। बिकॉज बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 1000 2000 लोग, तो मैं सबकी कैसे शेयर करूँगा, सबकी कैसे मैं देख पाऊंगा? बिकॉज इतना टाइम नहीं होता, और भी काम होते हैं, तो आपको लगेगा बुरा और आप हेट करोगे। इसलिए मैंने सोचा आप इस तरह से कंपटीशन ना करके आप अपने ही वर्क को कंपेयर करो, अपने ओल्ड वर्क को कंपेयर करो अपने न्यू वर्क से, कि आपके वर्क के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आया है। तो ये बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से। इससे आप एक दूसरे से कंपेयर करने भी बचोगे, मेरे को भी हेट नहीं मिलेगा, और आपको भी अच्छा लगेगा अपने इंप्रूवमेंट देख के। सो गाइस आपने सिंपली यही करना है, बस जो भी आपने पहले बनाई है उसकी रेफरेंस फोटोग्राफ लो, ढूंढो, अगर आपके पास नहीं है तो कहीं से ढूंढो, और उसको दोबारा बनाओ, दोनों फोटो को ऐड करो, और इंस्टाग्राम पे मुझे स्टोरी में टैग करो, मैं अपनी स्टोरी में रिपोस्ट कर दूंगा। कोई प्राइज वगैरह नहीं रख रहा हूँ मैं, ना ही कोई मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, मैं सिर्फ आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। बिकॉज प्राइज अगर मैं रखूँ, प्राइज के बारे में बोलूँ, तो भी मतलब काफ़ी लोग लालच के चक्कर में रहते हैं फिर, तो इन चीज़ों के चक्कर में ना रहा करो गाइस बिल्कुल भी। बिकॉज आर्ट है, खुशी खुशी करना होता है, हम किसी चीज के लिए आर्ट नहीं कर सकते, हम खुद को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। तो गाइस इस चीज को ध्यान में रख लो, कभी भी कंपेयर मत करो, कभी भी किसी चीज के लिए मत बनाओ। अगर अंदर से फील आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तभी बनाओ, अदरवाइज दिखावे के लिए, किसी चीज के लिए आप कर रहे हो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। सो गाइस बस यही सिंपल सा मैंने आर्ट कॉन्टेस्ट रखा है आपके लिए, कोई ज्यादा हाईफाई नहीं है, और ना ही मैं कुछ आपको देने वाला हूँ, बस इंस्टाग्राम पे मैं रिपोस्ट कर दूंगा, और ये कॉन्टेस्ट जब तक चलेगा, जब तक आप बनाते रहोगे और मुझे टैग करते रहोगे, मैं शेयर करता रहूंगा कोई एंड डेट नहीं है इसकी। सो हाँ गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। कभी भी कंपेयर मत करो, कभी भी किसी आर्टिस्ट को हेट मत करो कि उसने आपका शेयर नहीं किया। आपको काम करने में हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, ना ही उस काम के रिजल्ट में, कि मुझे वो करने के बाद ये मिलेगा, वो करने के बाद ये मिलेगा, ये कभी भी मत सोचना, नहीं तो फिर दुखी रहोगे। और अगर दुखी ही रहोगे तो फिर आर्टिस्ट का क्या काम है? एक आर्टिस्ट तो मतलब खुश रहता है ना, अपना एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को अपने पेपर के ऊपर, कैनवस के ऊपर। सो हाँ गाइस बस इतना ही, ज़्यादा ज्ञान फैल रहा हूँ तो हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, बनाते रहो, आपके पास टाइम ही टाइम है। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।